सर 2 लाख बोल दीजिए सर, गणतंत्र दिवस के मौके पर 2 लाख बोल दीजिए। आज प्रजासत्ताक दिन है, इसी के मौके पे सब मुमरावासियों को मेरे तरफ से पुलिस स्टेशन की वजह से बहुत सारे शुभकामना। हाँ चालू करो भाई। शेजाद भाई हाँ ले लिया। सर गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिन के मौके पे राष्ट्र को अपने जो घटना स्वीकार किया था वो 26 जनवरी को किया था करके अपन प्रजासत्ताक दिन मनाते, उसी माध्यम से सभी लोग कानून का पालन करें यही कहूँगा। और मेरे तरफ से पुलिस स्टेशन की तरफ से पूरे मुमरावासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या कहेंगे? मैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ साथ मैं आज एक संदेश देना चाहता हूँ। आज इस 26 जनवरी के मौके पे देश के जो हालात हैं कहीं ना कहीं भाईचारा टूटता हुआ दिख रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था हमें उसका पालन करना चाहिए, हमें उनके बताए हुए रास्ते पे मार्गदर्शन पे चलना चाहिए, यही मेरा संदेश है। और मैं फिर एक बार तमाम देशवासियों को, खास करके मुमरा कलवा थाने की आवाम को, मैं आज 26 जनवरी के इस अवसर पर मैं सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा कार्यालय ऑफिस के ऊपर डॉक्टर ऋषिकेश वैद्या जो प्राइम हॉरिजॉन के सर जो डॉक्टर्स हैं, आज उनकी पूरी
यहाँ पे मुफ्त आरोग्य जांच व चिकित्सा शिविर कैंप रखा गया है। मैं अगर कहूँ तो हेल्थ चेकअप है जिसमें आपके हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब फ्री है। आए आ करके आज आप हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के नेतृत्व में हम लोग ये प्रोग्राम को, मैं शानू पठान जी, आयोजित कर रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह ताला हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब 1:30 बजे पहुंचेंगे और उसके साथ साथ में शेरदेश्वर भाई साहब, शानू पठान साहब और हमारे तमाम राष्ट्रवादी पक्ष के नगर सेवक, नगर सेविकाएं, शहर के तमाम आलिम दीन, तमाम हमारे एनजीओ के लोग यहाँ शामिल होंगे। लेकिन आवाम से कहना चाहता हूँ, आए आकर के इस चिकित्सा शिविर का, इस कैंप का लाभ उठाएं। धन्यवाद। शमीम भाई आखिर में गणतंत्र दिवस के मौके पे उन लोगों के लिए क्या जवाब देंगे जो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये जो रिश्ता है, ये मैंने एक पिक्चर में एक डायलॉग देखा था नाना पाटेकर का, उन्होंने किसी की उंगली पकड़ के कहा था कि इसको मैं तोड़ता हूँ तो क्या इसका खून जो निकलेगा वो हिंदू हो, क्या तुम बता सकते हो ये खून कौन सा है, ये हिंदू का है मुस्लिम का है? तो मुझे आज भी वो उनका अल्फाज याद है, तो ये खून जो निकलता है वो ब्लेड ब्लेड होता है, इससे हिंदू मुस्लिम तो आप बांट नहीं सकते और ये राजनीति बंद होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब एक है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब ये एक मैसेज देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। थैंक यू। हेलो सेंटर तो ना भाई अभिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। एक मिनट सर, यार ये सिपाही है, अपन मलाई खाने वाले हैं। ओके सर, ये देख, हाँ इधर ही हूँ। जी गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को क्या संदेश देंगे? इसी दिन 1950 को देश गणतंत्र हुआ था, इसी के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये देश के सेवा में बहाल हुआ था, बाबा साहब जी ने जो बनाया था। आज के दिन बाबा साहेब हो, महात्मा जी हो, नेहरू जी हो, लोकमान्य तिलक हो, स्वतंत्र वीर सावरकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो और जितने शहीद हुए हैं, आज के दिन उनका स्मरण करना है। भगत सिंह हो, दादा भाई नौरोजी हो, सबका स्मरण करना है और देश इसी तरह
सुजलाम सुफलाम आगे बढ़ता रहे और इसके लिए हमें सभी को मिलकर कंधे से कंधा लगा के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। का शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग इस 26 जनवरी के मौके पर आए झंडा वंदन में, और अभी हमारे कुछ पत्रकार भाई हैं मुमरा में, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, उस मेहनत के अवसर पर इन लोगों को ट्रॉफी दी जा रही है, तो बड़ा मेहरबानी जोरदार उनका स्वागत करें। धन्यवाद। समय पहले के मोइन भाई जो आवे और अपना ट्रॉफी जो है लेके जाओ, जोरदार ताली के साथ में। अरे एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी जगह छोड़ दो ना, थोड़ा दूर दूर रहेंगे तो अच्छा। हाँ अच्छा भी आ रहा है। मोइन भाई काफी मेहनत करते हैं मुमरा के लिए, जोरदार से शुक्रिया अदा करता हूँ सुकून महिला सामाजिक संस्था का, जिन्होंने आज 26 जनवरी के मौके पे हम सभी पत्रकारों को यहाँ पे आमंत्रित किया और बड़ा ही अच्छा शानदार प्रोग्राम था यहाँ पे, और जिसमें कई महिलाएं भी यहाँ पे शामिल थी, झंडा वंदन यहाँ पे किया गया और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसे भी गाया गया, तो मैं एक बार फिर बहुत बहुत आभारी हूँ अहमद नेता और भाभी नागुल अंदाज का। मैं सभी पत्रकारों की तरफ से उन्हें धन्यवाद पेश करता हूँ। इधर आइए मुमरा के लिए, और बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ें डाले भी है मुमरा में, सभी लोग देखे होंगे टीवी वगैरह में, इसके लिए इन लोग ओके ओके चाली अंसारी जान अंसारी ये भी बच्चा रात दिन मेहनत करता ही है। काफी सारे पहचाने ये AMTV न्यूज चलाने में काफी जद्दोजहद और काफी मेहनत किया है हमारे रिजवान शेख ने, और मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ साथ हमेशा जुड़े रहो। नफीस भाई भी काफी मेहनत करते हैं मुमरा के लिए, में जो जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहाँ वहाँ हमारे नफीस भाई हर मुद्दे उठा के हम लोग को जागरण करते और सभी को बताते हैं। आदिल नाम छुपा दिया, ये हमारे आदिल भाई है, ये भी काफी मेहनत करते हैं रात दिन इसी में पत्रकारी में जुड़ के सभी के लिए हेल्प करते हैं और अच्छी अच्छी आवाजें उठाते हैं। हमारे साजिद भाई ये MMTV न्यूज वाले, और ये ज्यादा नशे का मुद्दा के विकास में बहुत बात करते हैं, और मैं चाहूंगी ये विकास करके साजिद भाई दिखाए।